छोटे बच्चे रहते हैं जो एक साल से लेके तीन साल तक के बच्चे। जी जी ये खेलते खेलते जैसे मुरम कहते हैं अपन जैसे जी जी छोटी मोटी गोटी खा लेते हैं कुछ भी खिलौना लगा रहा घर में जैसे आजकल तो सेल रहती है जी जी जो खिलौना में छोटी बटन बटन सेल बटन जो जैसी जो रहती, रहती, रहती है।, है चना है मूंगफली है नारियल है बहुत सारी चीज वाले फल है सीताफल है सीताफल है सबसे ज्यादा सीताफल रिस्क रहता है क्योंकि बच्चे जब थूकते हैं वो थूकने की जगह नेगेटिव प्रेशर से वो लंग्स में चला जाता है और एकदम से लंग्स बहुत छोटे रहते हैं बच्चों के तो पूरा पैक कर देता है एक साइड का लंग्स तो हवा नहीं मिलती है तो बहुत जोर से खांसी होना सांस में रुकावट होना एक तरह से लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट की जरूरत होती है के प्यारे दर्शकों आज हमारे स्टूडियो में सुप्रसिद्ध नाक कान गला विभाग के सर्जन डॉक्टर सतीश राठी आए हुए हैं मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूँगा कि डॉक्टर सतीश राठी एमबीबीएस एमएस ईएनटी विगत सत्ताईस सालों से और लगभग तीस साल हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है डॉक्टर सतीश रायपुर के ही निवासी हैं आप मेडिकल कॉलेज रायपुर से ही एमबीबीएस की डिग्री ली आपने और कॉलेज जीवन में आप छात्र संघ अध्यक्ष रहे माहेश्वरी समाज से भी आपकी काफी सक्रियता है उस समाज में आप प्रांतीय स्तर के विभिन्न पदों पर रहे इसके अलावे नामचीन संस्था जेसिस से भी आपका जुड़ाव रहा और आप एक बहुत अच्छे वक्ता और चिंतक हैं आपके बारे में एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा कि जब कोरोना की पहली लहर आई और दहशत में लोग अपने घरों में थे यहाँ तक कि सारे हॉस्पिटल प्राइवेट जो थे वो बंद थे सभी ने दूरी बना ली थी उस दौर में डॉक्टर सतीश ने मुश्किल में पड़े हुए बच्चों की सर्जरी की गांव से देहात से आने वाले बच्चों को अगर अचानक कोई तकलीफ हो गई उनके गले में कुछ अटक गया तो गंभीर अवस्था में आए तो उस कोरोना के रिस्क के बावजूद पहली लहर में डॉक्टर सतीश राठी ने उन बच्चों का उपचार किया इस तरह के सेवाभावी व्यक्ति से मिल करके बहुत प्रेरणा मिलती है और विभिन्न समाजसेवी संगठनों के माध्यम से डॉक्टर सतीश राठी कैंप भी लगाते रहे हैं दो से ज़्यादा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालित करके उन्होंने मरीजों को लाभ पहुंचाया। आपकी विशेषज्ञता के कारण आपके कुशल हाथों के कारण आपके कुशल सर्जरी के उन गुणों के कारण प्रदेश भर में आपका जाना होता है लोग आपको आमंत्रित करते हैं और नियमित रूप से आप धमतरी में और बसना में अपनी सेवाएं देते हैं तो डॉक्टर सतीश राठी हमारे बीच उपस्थित हैं हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो अपना बाल्यकाल कहाँ बिताए और क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि में, में कोई डॉक्टर था कि आप पहले डॉक्टर हुए अपने बारे में जरा हम दर्शकों को आप जानकारी दें तो बड़ी खुशी होगी धन्यवाद किरण आपने मुझे आमंत्रित किया आपके साथ उपस्थित होकर अपनी कुछ बातें कहने का अवसर मिल रहा है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी मेरा जन्म रायपुर में ही हुआ उन्नीस में 25 जनवरी को मेरा जन्म हुआ उसके पश्चात प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी सब रायपुर में ही रही एम बी बी एस तक की शिक्षा मैंने रायपुर में ही ग्रहण की हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि में पूरे परिवार में मेरे पिताजी चार भाई और तीन बहन है जी। उनके किसी भी परिवार में चिकित्सक नहीं था मेरे पिताजी का भी बहुत शौक था कि एक व्यक्ति को एक लड़के को मेरे घर में चिकित्सक बनना चाहिए मेरा भी शुरू से मन था तो मैं इसमें पूरी लगन से लग जुटा रहा और जिस समय शिक्षित हुए हम लोग उस समय तो तीन ही विशेषताएं रहती थी कॉमर्स है गणित है साइंस साइंस है।, है जी जी तो मेरा साइंस में मन था और मैं उसमें सफल भी रहा फिर एटी नाइन में मैंने यहाँ से एम बी बी एस की शिक्षा ली उसके पश्चात एम एस के लिए मैं भोपाल चला गया वहाँ से एम एस संपूर्ण करने के पश्चात फिर मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में नानावटी हॉस्पिटल में, में और वहाँ के एक म्यूनिस्पल हॉस्पिटल है वहाँ पे मैंने विशेष विशेषज्ञ जो उस समय के श्रेष्ठतम विशेषज्ञ माने जाते थे राइट बॉम्बे में उनके साथ कार्य का अनुभव सीखा उनके अनुभव सीखे और खुद भी वहाँ पे बहुत अपने आप को उन्नत किया कि इस शिक्षा ई के क्षेत्र में अपन आधुनिकतम क्या कार्य कर सकते हैं बड़े शहरों में आपने विशेषज्ञता की सारी शिक्षा ली और अनुभव लिया वहाँ पैकेज में आप काम कर सकते थे उस वक्त रायपुर ही आपने क्यों चुना हाँ क्या ठीक कहते हैं आप कि वहाँ पे और अच्छी व्यवस्था तो है जी बड़े शहरों में नाम भी बहुत अच्छा है जी। पर मेरा शुरू से मन था कि जिस जगह से अपन हैं वहाँ पे इस विशेषज्ञता की कमी है और हम जहां से जुड़े हैं वहीं पर भी यह कार्य कर सकते जी, हैं जी, जी। और ज्यादा बेहतर करें तो वहां पे ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ जरूरत ज्यादा थी ज्यादा जरूरत थी ये भाव से आप आए तो <laughs> डॉक्टर सतीश में ये भी जानकारी मुझे मिली है कि आप बहुत गहरे आस्थावान हैं तो ऐसी कौन सी परंपरा को आप मानते हैं आस्था में आपका जुड़ाव है ऐसी कौन सी जैसे हमारे संस्कृति में वैष्णव है शैव है शाक्त है तो कौन सा आपको अच्छा लगता है किससे आपका पारिवारिक संस्कार मिला आपको जुड़े हैं आप हमारे घर में नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी विराजते हैं जी उनकी सेवा शुरू से है दादाजी के समय से और बालकृष्ण लाल की सेवा है वाह बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं हम लोगों में श्री वल्लभाचार्य जी संप्रदाय ने जी, जी, जो, जी। जो चालू किया वल्लभ कुल संप्रदाय वल्लभ कुल तो वह जो ये पुष्टि मार्गी संप्रदाय की एक मर्यादा रहता है एक पुरुषोत्तम पुष्टि रहता है तो पुष्टि मार्ग की सेवा जो रहती है सवेरे भगवान को उठाना नहलाना श्रृंगार करना खाना खिलाना फिर शाम को घूम के आएंगे भगवान जी, करके जी, आएंगे जी, जी, आएंगे फिर उनकी आरती उतारना शाम का खाना खिलाना फिर शयन कराना ऐसे सात समय की सेवा रहती, सेवा रहती है तो ये मैंने नाना जी नानी जी के परिवार में दादाजी और से सीखा और उसी में हम लोगों का मन भी रहा और सबसे ज्यादा रहता है कि इस पुष्टि मार्गी में उत्सव बहुत होते हैं डेढ़ महीने तक फागुन का उत्सव जैसे भी बसंत पंचमी से होली तक एक महीने सावन का उत्सव चलता जी है जन्माष्टमी रामनवमी इस तरह के इतने अच्छे उत्सव होते हैं तो कीर्तन करने में सेवा करने में बहुत आनंदित भी होता है मन और अपने को एक शक्ति भी मिलती है ऐसा मेरा मानना है और जेसीज़ में भी मैं जुड़ा तो उसकी आस्थाएं थी उसमें पहली आस्था थी कि ईश्वर में आस्था मानव जीवन को सार्थकता एवं उद्देश्य प्रदान करती है मुझे बहुत अच्छा लगा था ये जेसीज का पहला आस्था ही था और हम सभी भी इसमें लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि ईश्वर में आस्था तो जरूर रहना चाहिए ये आपको बहुत संबल देती है एक थी है उसी कि जो चंपारण में वल्लभा जी जी या वो अपने यही क्रम है वहाँ से कि नहीं, वो नहीं आ, वो उनके पिताजी और माता जी, जी देशार्थन के लिए निकले थे अच्छा उस समय वो यहाँ से गुजर रहे थे पुष्टि है पुष्टि उन्होंने स्थापना की पुष्टि मार्गी वल्लभाचार्य अच्छा, जी तो और उनका जन्म हाँ, चंपारण में हो गया था अच्छा अच्छा जो हम कहते हैं कि सात महीने में बच्चे हो जाते हैं तो जाते वो कई बार जीवित नहीं रह पाते तो उनके जो माता पिता ने सोचा शायद बच्चा नहीं रहा है पर वो एक तरह से बोलना चाहिए भगवान का रूप था तो वो वहाँ पे पुनः जागृत हुए जी जी जी। और आगे जाके उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की इसलिए पुष्टि मार्गी संप्रदाय का महत्व है।, और इससे लोग जुड़ते हैं ये आस्था आपको बहुत संबल प्रदान करती है और आप सेवा में लगे रहते हैं मैं चिकित्सा पेशे से कुछ जानकारियाँ हमारे दर्शक को कुछ जिज्ञासा रहती है कुछ सवाल भी आए थे कि डॉक्टर साहब अगर आ रहे हैं तो कुछ ऐसे प्रश्न पूछें कि हमारे संघ का समाधान हो जी। तो हमने उनकी मांग के अनुसार कुछ बातें जो नोट की थी सर वो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे एक धारणा है कि कोरोना काल में भी ये बात चली कि नाक और कान को सुरक्षित रखने के लिए आयुर्वेद कोई अर्क डालना चाहिए तो क्या ये करना चाहिए पहले के समय में किया जाता था उसका रिजल्ट भी अच्छा था ऐसा मुझे लगता है इसलिए लोगों की परिपाटी भी चली अभी भी कुछ आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं जी उनका महत्व तो है पर हम लोग हमारे मॉडर्न मेडिसिन में जी मॉडर्न मेडिसिन में देखते हैं कि आजकल जो तेल वगैरह डाल के आते हैं कान में में या नाक जी, में, जी। तो साइनस की ज्यादा दिक्कत होती है अच्छा। और कान में फंगस बन जाता है जैसे अपन घर में भी खाने में देखते हैं अचार के ऊपर फफून लग जाता है जी जी पहले के तेल में और अभी के तेल में हो सकता है जो भी फर्क हो या वातावरण में प्रदूषण बढ़ गया है तो इसलिए हम लोग अभी कान में डालने का मना करते है नहीं डालना चाहिए ना पर किस समय डालना ये भी बताते हैं कि अचानक से जैसे आपके कान में कोई कीड़ा घुस जाए जी, या कोई पंखी घुस जाए या कुछ बहुत ज्यादा जलन हो रहा हो तो उस समय डाल देने में जब उस समय अगर आप कीड़ा कान में बहुत ज्यादा व्यग्रता में है तो आप तेल डाल दीजिए पानी डाल दीजिए अच्छा, कम से कम सफोकेशन से वो जो फॉरेन बॉडी है या अपन कीड़ा बोलते हैं इंसेक्ट बोलते हैं जो भी वो है तो आपको जो कटावट है उसकी जो पेन की रिलीफ मिल जाता है और आपकी इमरजेंसी खत्म हो जाती उसके बाद आप डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो निकाल देते हैं तो जैसे शहर में आपकी सेवाएं उपलब्ध है ग्रामीण इलाकों में जंगली इलाकों में अगर किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को ऐसा हो जाए तो उसको तत्काल पहले हाँ अगर कान में कुछ चला जाता है अचानक से किसी भी समय तो आप तेल डाल सकते हैं या पानी डाल सकते हैं अच्छा। कि जिससे वो वस्तु वहीं के वही फिर आके वो आप थोड़ी ऐसा कर सकते हैं कर सकते बिल्कुल कर सकते आपातकालीन स्थिति में आपातकालीन ऐसा भी हुआ है डॉक्टर साहब कि बहुत सारे बच्चे गंभीर अवस्था में चले जाते हैं खेलते खेलते कुछ निगल लेते हैं तो उनकी स्थिति खराब हो जाती है तो उस तरह का उपचार आप कैसे करते हैं उसमें क्या करते हैं और क्या करना चाहिए छोटे बच्चे रहते हैं जो एक साल से लेकर तीन साल तक के बच्चे, जी जी ये खेलते खेलते जैसे मुरम कहते हैं अपन जैसे जी जी छोटी मोटी गोटी खा लेते गोटी. हैं कुछ भी खिलौना लगा रहा घर में जैसे आजकल तो सेल रहती है जी जी जो जो खिलौना में छोटी बटर बटन, सेल बटन जो रहती, जैसी रहती है।, है।, है, चना है मूंगफली है नारियल है बहुत सारी वाले फल सीताफल सीताफल है, हाँ, है, सीता जी जी। सीता है। हाँ। सबसे ज्यादा सीताफल रिस्क रहता है क्योंकि बच्चे जब थूकते हैं तो वो थूकने की जगह नेगेटिव प्रेशर से वो लंग्स में चला जाता है और एकदम से लंग्स बहुत छोटे रहते हैं बच्चों के तो पूरा पैक कर देता है एक साइड का लंग्स तो हवा नहीं मिलती है तो बहुत जोर से खांसी होना सांस में रुकावट होना एक तरह से लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट की जरूरत होती है उस समय तत्काल तो निकलने के बाद ही रिएक्शन शुरू हो जाता है कि कुछ दिन बाद अच्छा नहीं तुरंत हो जाते हैं कई लोग इसको गांव में कई बार ऐसा हो जाता है कि मालूम नहीं रहता है कि क्या खाया है या क्या तो ऐसा सोचते हैं सर्दी खांसी एक दो दिन में ठीक हो जाएगा एक्सरे में भी चूंकि ये दिखता नहीं है तो कई बार लेट कर देते हैं लोग या गांव में व्यवस्था नहीं होने से या चिकित्सक विशेषज्ञ नहीं होने से भी कई बार देर हो जाती है सर्दी खांसी है ठीक ठीक हो हो जाएगा हो जाएगा तो फिर वो गंभीर अवस्था में पहुंचते हैं कई बार वेंटिलेटर में लेना पड़ता है या कई बार बहुत ही इतनी इमरजेंसी में आते हैं कि जी, उनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है हम लोगों के लिए चैलेंजिंग रहता है पर हो भी जाता है भगवान की दया से और तो ऐसा अपन मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे सुविधाएं सारी सर्जरी के बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती ईएनटी के प्रॉब्लम्स के लिए किसी तरह के गंभीर संक्रमण के लिए करीब सभी तरह की आजकल इलाज यहाँ पे हो रहे हैं आपके हॉस्पिटल में सारी हाँ। सुविधाएं हैं बाल जैसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल है वहाँ बच्चों की बीमारियों के ई e के हम लोग जाके करते हैं सर अच्छा। बाल गोपाल हॉस्पिटल है पेटल्स हॉस्पिटल समता कॉलोनी में जी, जी, जी। बहुत सारे जो ई e वाले हैं वहाँ पे करते हैं हमारे खुद के हॉस्पिटल्स में और बड़े हॉस्पिटल्स में जहा जहाँ हम लोग विजिटिंग है जी। वहां पे बड़ी सर्जरी और अब तो रायपुर में बहुत सारे अलग अलग विशेषज्ञ भी हो गए हैं जैसे कैंसर सर्जरी गले के लिए तो कैंसर हॉस्पिटल्स आ गए हैं तो वहाँ पे एम्स जैसी संस्था रायपुर में बहुत अच्छा काम कर रही है मेडिकल कॉलेज है तो सब जगह अब तो बहुत अच्छा काम हो रहा है तो गंभीर और आपातकालीन चिकित्सा की सुविधा यहाँ पर है सबकी सुविधा है जी जी जैसा जी। कहना चाहिए अभी इन दिनों एक तकलीफ ज्यादा देखने में आ रही है डॉक्टर साहब की बच्चों में आर्टिज्म की बीमारी आ रही है और बच्चे उसके शिकार ज्यादा हो रहे हैं ऐसा क्या कारण है और क्या होना चाहिए इसके लिए समाधान क्या लगता है आपको बहुत अभी समय के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है अजय जी हम खुद भी बहुत उससे जूझ रहे कहना चाहिए जी जी। क्योंकि हमारे पास जब अभिभावक अपने बच्चे को लेके आते हैं तो क्वेश्चन रहता है कि क्यों है क्या होगा ठीक होगा कि नहीं होगा जी जी। और आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं ऐसा क्या चीज है जो आप इतने दिन से भी इसका इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा पर आप ऑटिज्म अभी अभी जो परसेंटेज है बोलना चाहिए बच्चों में ये बहुत सीवियर है और एक तरह से ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जी जो हम सुनते हैं समझते हैं फिर ब्रेन के द्वारा बोलते हैं तो सुनने की क्षमता में समझने की क्षमता में और वापस से ब्रेन का एक्टिवेशन हमारा होना कि मुझे क्या बोलना है तो यह बहुत डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा बहुत वही वही चीजें रिपीटेशन बार बार करेगा बहुत हाइपर एक्टिव चाइल्ड रहेगा वह थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर नहीं बैठेगा और बहुत कम शब्द बोल पाता है सेंटेंसेस अच्छा तो बड़ी मुश्किल से मतलब हो पाता है देर लगती है उसके लिए एक कहना चाहिए आपको टीम वर्क रहता है कि e रहे स्पीच थेरेपिस्ट रहे अच्छा ये सब लोग मिलके उसको जो जो गाइड करते हैं वैसा फॉलो करना पड़ता है अभिभावकों को काफी लंबा भी रहता है ट्रीटमेंट इसकी रिकवरी का क्या है क्या संभावना रहती है डॉक्टर साहब रिकवरी की रिकवरी में बहुत सारे बच्चे सात आठ साल बाद अच्छा रिस्पॉन्स करने लगते हैं कम से कम हाइपर एक्टिव वाले बच्चे थोड़े से शांत हो जाते हैं जो काम बोलते हैं वे करते हैं बार बार जो रिपीटेशन करना या वर्ड वही वही बोलना पुनः वही का शब्द वही शब्द बार बार बोलना ये सब में इम्प्रूवमेंट अच्छा आता है पर थोड़ा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है अभिभावकों को भी और सिखाने वाले को भी और उसके साथ स्पीच थेरेपिस्ट के साथ अभिभावकों को भी बहुत टाइम देना पड़ता है कि उसे जो जो गाइडलाइन बताई जा रही है उसके अनुसार वो करना पड़ता है एक समस्या और भी है बुजुर्गों का हियरिंग लॉस अब ज्यादा होने लगा है तो बुजुर्गों के हियरिंग लॉस के लिए क्या समाधान है डॉक्टर साहब इसमें क्या करना चाहिए उनको भी सुनाई कम दे रहा है अपनी उम्र के अनुसार 60 साल के बाद जैसे 40 साल के बाद चश्मा लगता अच्छा, है स्वाभाविक प्रक्रिया स्वाभाविक प्रक्रिया अच्छा, किसी में कम किसी में ज्यादा हो सकती है किसी में जल्दी हो जाए 60 साल के बाद किसी में 70 साल वाले भी बहुत अच्छा सुनते हैं दूसरा हाइपरटेंशन है डायबिटीज है किडनी से रिलेटेड डिजीज है या अच्छा, कोई और उनको मॉर्बिडिटी है जिसके कारण कुछ दवाइयां लेनी पड़ी हो या लंबा ट्रीटमेंट चलाओ तो वह भी कान की नसों पे असर करता है तो इसलिए सुनना का परसेंटेज कम हो जाता है ये ऑडियोमेट्री के द्वारा पता कर लिया जाता है कि कितना परसेंटेज है? सेंसरी न्यूरल लॉस है तो इसमें बेस्ट ऑप्शन आजकल अभी अपने पास हियरिंग एड बहुत अच्छे आ गए अच्छा पहले तो लोग लगाया नहीं करते थे कि बहुत बड़ा है दिखेगा वायरलेस आ गया है, है। हाँ। अब तो वायरलेस और वायर से भी छोटे कि कान में लगा हुआ है और उसका मोड भी आप मोबाइल से अटैच कर दें तो आप उसी से कंट्रोल करते हैं उसका वॉल्यूम कंट्रोल ऑन ऑफ सब चीज़ें तो बहुत कंपनियां इसमें अच्छा काम लेके आई हैं बहुत छोटे चिप्स भी आ गए तो हियरिंग

पहले जो एक परंपरा थी डॉक्टर साहब की एक फैमिली डॉक्टर हुआ करता था एम डी एम बी बी एस है वो और वो सारी बीमारियों का इलाज करता था आज स्पेशलिस्ट हो गए हैं तो आम धारणा यह है कि स्पेशलिस्ट दूसरा इलाज नहीं करते क्या ऐसी धारणा है कि कर सकते हैं दूसरा इलाज भी दूसरी तकलीफों की भी दवा लिखते हैं या इलाज कर सकते हैं देखिए जहाँ से एम बी बी एस होते हैं वहाँ एक आप जनरल फिजिशियन तो हैं ही जी जी आ, फैमिली फिजिशियन भी होना चाहिए आजकल धीरे धीरे जो पहले था कि एक फैमिली फिजिशियन होता था उसी से सब पूछते थे कम होते जा और हम लोगों की ट्यूबुलर हो गई है कि मैं e <laughs> तीन के बारे में आप पूछेंगे तो मैं आपको पूरी सलाह दूंगा और दूसरे के बारे में मैं भी चाहता हूँ आपकी डायग्नोसिस बना देता हूँ कि आपको कार्डियक प्रॉब्लम है आपको लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपको किडनी से रिलेटेड है पर आप इनसे ट्रीटमेंट ले तो बेहतर होगा इसलिए हम लोग अवॉइड नहीं करते हैं कि ट्रीटमेंट करना पर हम उनको गाइड कर, कर, देते हैं, हैं। और जहाँ संभव होता है कि सामान्य बीमारी है सर्दी जुकाम है मलेरिया है टाइफाइड है इन सब का तो इलाज करते हैं पर अब आजकल लोगों को भी ऐसा लगता है कि आप इसका इलाज कैसे कर लेते हैं आप तो कान के डॉक्टर हैं जी 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 ये जी, ऐसी ये ये भ्रांति पर ऐसे कर सकते हैं ना नाक कान और गला बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है डॉक्टर साहब तो इसमें इसमें सावधानियां क्या रखनी चाहिए इसको लंबे समय तक स्वस्थ रखें हम बचा के रखें तो क्या कुछ बेसिक बातें हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो वो फॉलो करें देखिए सबसे पहले कान में आते हैं अपन पहले के लोगों को रहता था जैसे कान में कुछ तकलीफ हो रही है तो तेल डाल दिया जी जी या सुनना का मैं तो काड़ी से साफ कर लिया जी जी या जो बस स्टैंड वगैरह में या रोड में साफ करने करते भी रहते साफ रहते हैं। करवाते हैं अभी भी लोग करवाते हैं आपको मैं बताऊं उसके बाद जब उनको चोट पहुंच जाती है या किसी कारण से दर्द होता है जी जी तो आते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि नहीं उसको तो कुछ नहीं हुआ था ये चीज नहीं सोचनी चाहिए बहुत महत्वपूर्ण है और साफ करते करते कई बार माचिस की काड़ी अंदर छूट जाती है जी और लोग कौन सा पार्ट यूज करते हैं जिसमें वो मसाला लगा रहता है और उसको अंदर वो और छूट जाता है और कभी कभी क्या रहता है कि आप क्या अनुसरण घर के छोटे बच्चे करते हैं आप कर रहे हैं वो छोटा बच्चा भी करता है क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं कि देखिए डॉक्टर साहब ये बच्चे ने कान में काड़ी डाल ली मैंने बोला इसको कैसे मालूम तो बोले ये बड़ों से देखा बड़ों, है, बड़ों से हो बोले और या वो स्वभाववश या चंचल रहते हैं आप साफ कर रहे हैं थोड़ा झटका लग गया तो कान के पर्दे में लग जाएगा वो आपके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है तो ये वाली चीजें ना करें खुद साफ ना करें आपको अगर ज्यादा दिक्कत है तो कम से कम छह महीने में साल भर में एक बार ई एन टी ओपिनियन ले लेना चाहिए कि आपको नाक की गला की क्या तकलीफ, तकलीफ है और आजकल तो स्कूलों में डेंटल चेकअप ई e एन टी चेकअप पीडियाटिक चेकअप जनरल चेकअप के हिसाब से होने भी लगे हैं तो बहुत जल्दी मालूम है आपने भी मैराथन शिविर लगाया है जागरूकता फैलाई है स्कूल जहां जहाँ व्यवस्था रखते हैं कि ऐसा करना चाहिए कैम्प तो हम लोग भी अपनी सेवाएं देने के लिए इच्छुक रहते हैं तो ये करना भी चाहिए बच्चों में आपके कैंप से बहुतों को फ़ायदा हुआ है आपने दुरस्थ इलाकों में जा के कैंप लगाया है और हमको जानकारी मिली कि बहुत लोगों को फायदा हुआ और अवेयरनेस बढ़ा है एक मेरा व्यक्तिगत आपसे सवाल था कि आप बड़े जोखिम भरी सर्जरी करते हैं छोटे बच्चों के फेफड़े तक जाना और नाक कान गला की सर्जरी ऐसे भी बहुत जोखिम भरी होती है और नकारात्मकता भी हावी रहती दबाव भी रहता है तनाव भी रहता है और सर्जरी के बाद तो आप और भी ज़्यादा दबाव और तनाव में रहते होंगे पहले भी बाद भी आप इससे कैसे अपने आप को बचाते हैं और पॉजिटिव रखते हैं इतनी मुस्कान चेहरे में रहती है इतने उत्साहित रखते हैं हमेशा आप रहते हैं क्या कारण है इसके पीछे कई बार ऐसा आपको बोलचाल में सुनने को मिलता ना कि डॉक्टर से बात करके मेरी आधी बीमारी ठीक हो जी जी ये बात है। तो हमको खुद को अपना उत्साह तो बनाए रखना है कॉन्फिडेंस अगर मैं वह शो करूं कि ये बहुत ज्यादा दिक्कत है मैं नहीं कर पाऊंगा तो और निगेटिव बनता है जी। फिर हमारी टीम बहुत अच्छी रहती है क्योंकि मैं अकेला तो सर्जरी करता नहीं उस तरह की क्योंकि एनास्थीशिया वाले असिस्टेंट हैं हॉस्पिटल की जो पूरी व्यवस्था है बच्चों को सर्जरी के बाद में कितना केयर करना है वो आईसीयू देखना ये ऐसे जो शिशु रोग विशेषज्ञ रहते हैं हमारे साथ ये पूरा टीम वर्क इतना अच्छा है कि सब एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं कई बार जैसे मन में होता है कि ये बहुत डेंजरस है या बहुत पहली बार ऐसा केस देख रहे हैं जी। तो दूसरे शिशु रोग विशेषज्ञ या एनेस्थेटिस्ट हम लोगों को उत्साह दिलाते हैं नहीं नहीं सर आप कर लोगे पक्का मेरे को मालूम है <laughs> तो हम लोग भी इस तरह से अपनी ऊर्जा बनाते हैं और दूसरा थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है आध्यात्मिकता अपने में रहती है जी जी तो थोड़ा सा ध्यान रखें और प्रभु से हमेशा मैं तो या यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु से कि ज्यादा कुछ नहीं बस हाथों में यश दें और जो हम कर रहे हैं उसमें सफलता बहुत अच्छी बात तो कही तो उसके कारण भी बहुत अच्छा हमें मोटिवेशन मिलता है भगवान की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से तब हम सफल हो पाते हैं और बहुत रिलैक्स लगते हैं क्योंकि बाद में देखने के लिए दूसरे डॉक्टर हैं करने के लिए मुझे पूरी सुविधा दे रहे हैं तो मैं सर्जरी कर पाता हूं। पेशे के अलावा में, में में आप जी, जी. जैसा आपने बताया कि जेसी युवाओं का बहुत अच्छा संगठन और उस समय हम जेसी से जुड़े अठारह से पैतालीस साल तक के उसमें युवा रहते हैं तो बहुत अच्छी संस्था है और वहां पे जो स्टेज वाला परफॉर्मेंस है वो जो हमने बोलना सीखा वहां वहां से वहां <coughs> व्यक्तित्व विकास को जो करता है जेसिस वो एक बहुत अच्छा है तो मैं तो दूसरों को भी कहता हूं युवाओं को कि उससे जुड़ना चाहिए अभी तक कहता हूँ दूसरा हमारे घरों में जो अन्नकूट का महोत्सव होता है जी, जी। होली महोत्सव होता है हमारे माहेश्वरी या मारवाड़ी इसमें कहें गणगौर बहुत उत्सव अच्छा और शादी ब्याह में जो पुराने लोकगीत भूलते जा रहे हैं हम सब लोग तो मुझे इन सब चीज़ का बहुत शौक है गायन में भी रुचि है आपको बहुत अच्छे से बस लोकगीतों तक की है मैं बाकी गाने नहीं गाना पसंद करता हूँ या नहीं गा पाता हूँ लोगों के साथ पर शादी ब्याह के अपने दोस्त के रिश्तेदारों के यहाँ शादियों में जो गाने होते हैं उसमें आप भाग लेते हैं हाँ जो सगा सगी बोलते हैं हम लोग जो प्यार से गाली बोलते हैं जैसे वो है और होली के भजन का बहुत आनंद लेते हैं सावन के भजनों का बहुत आनंद लेते हैं तो आज आपसे चर्चा करके बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमको मिली प्यारे दर्शकों टाकनाव के इस चैनल में आज डॉक्टर सतीश राठी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और उनके व्यक्तिगत जीवन को भी हमको जानने का अवसर मिला और उनके व्यक्तिगत जीवन से निश्चित रूप से प्रेरणा मिलती है कि गहरी आस्था हो और परमार्थ का भाव हो तो सारी शक्तियाँ साथ देती हैं और नकारात्मकता जीवन में नहीं आ पाती इस मुलाकात के लिए मैं डॉक्टर सतीश राठी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबको धन्यवाद नमस्कार